बात असदुद्दीन ओवैसी की। इस बार ओवैसी की पार्टी के सिर्फ एक ही सांसद भले ही हो संसद में हो, भले ही संसद में ओवैसी का प्रतिनिधित्व मात्र एक नंबर पर हो, लेकिन जिस दिन से संसद शुरू हुई है उस दिन से ही वो ट्रेंड कर रहे हैं। पहले उन्होंने फिलिस्तीन प्रेम की वजह से हिंदुस्तान के प्रति उनकी वफादारी सवालों के घेरे में खड़ी कर दी। इसके बाद उनके घर पर कालिख पोती गई। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी की शुरुआत इस बार विवादों से हुई। सवाल है कि ओवैसी के लिए धर्म बड़ा है या फिर देश, आप समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। मोदी मुसलमान और अब फिलिस्तीन, यह असदुद्दीन ओवैसी का इन दिनों फेवरेट टॉपिक है। भाईजान संसद में हो, सड़क पर हो या किसी मजलिस में, फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के प्रति बहुत सिंपैथी रखते हैं और इसके लिए जय हिंद बोलना भूल जाते हैं। जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। सवाल यह है कि ओवैसी के लिए धर्म बड़ा है या देश, क्योंकि आर्टिकल 102 डी कहता है अगर कोई सदस्य किसी विदेश राज्य के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है, और ओवैसी पर इसी नियम के उल्लंघन का आरोप है। संसद में पांचवीं बार शपथ लेने वाले ओवैसी की इस नारेबाजी को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है, मगर बवाल इसके बाद शुरू हुआ है। दिलीप मंडल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और इसमें ओवैसी के हिंदुस्तान के प्रति वफादार होने पर सवाल उठाए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी की और उनके आवास पर किसी ने विरोध के तौर पर स्याही लगा दी, इसे अपने मन के मुताबिक रंग देना शुरू कर दिया। मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मर्तबा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है। ओवैसी के सामने मंच हो, माइक हो और महफिल हो तो सुर्खियों में कैसे रहना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। किसी टॉपिक को मजहब से कैसे जोड़ना है इसकी कला उन्हें बखूबी आती है और इसके लिए ओवैसी भड़काऊ सियासत से बाज नहीं आते। जय फलस्तीन के नारे पर अब भी कायम ओवैसी की सोच पर सवालिया निशान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ओवैसी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते, वंदे मातरम न गाते हैं न उस दौरान खड़े होते हैं। ओवैसी सरेआम कहते हैं कि गर्दन पर चाकू भी रख दिया जाए वो मंजूर, मगर करेंगे अपने मन, बोलेंगे वही जो सिर्फ उनको पसंद है। तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भगवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं कि वो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भगवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? भारत मानवता का धर्म सर्वोच्च रखता है, इसलिए फलस्तीन के मैटर में हिंदुस्तान एकदम क्लियर है, मगर ओवैसी इसे खास एजेंडे के तौर पर पेश कर रहे हैं क्योंकि हमास के हमले में 250 से ज्यादा इजरायलियों की मौत अगस्त 2023 में हुई, तब ओवैसी साइलेंट मोड में थे। गाजा में सैकड़ों इजरायलियों को बंधक बनाकर रखा गया, उस पर भी ओवैसी कुछ नहीं बोले। वो इंसानियत और मानवीयता को ढाल बनाकर बार बार फलस्तीन के हमदर्दी वाला नारा लगाते हैं, मगर इसराइल के लिए सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं। 12 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं, एक भी मस्जिद नहीं है वहां पर, गाजा में, राफा में एक भी मस्जिद नहीं है। मस्जिदों के मलबों के सामने खड़े होकर मैं सलाम करता हूं फलस्तीनियों को,
कि मस्जिदों के मलबे के सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर बोल के ईद की नमाज पढ़ रहे। ओवैसी मजलिसों में फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे, तब तक तो उतना बखेड़ा नहीं था, लेकिन इस बार मामला देश से जुड़ा है, इसलिए ओवैसी की सदस्यता खत्म किए जाने की मांग हो रही है। बीजेपी ओवैसी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने ओवैसी के नारे को उचित नहीं ठहराया है। कांग्रेस ने भी ओवैसी का बचाव नहीं किया। बैकफुट पर आए ओवैसी बचाव में संविधान की जानकारी होने का तर्क देते हैं, लेकिन उनकी सियासत पर सवालों की बौछार कम नहीं हो रही। हैदराबाद को दिल्ली की राजनीति करने वाले ओवैसी के खिलाफ फ्रंट खोले हुए हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने हाथ की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो, दम अगर है तो। इस मातृभूमि का अनाज काते हुए, इस मातृभूमि से हर व्यवस्था ये पाते हुए, इस मातृभूमि में अपने पैसे और बंगले बनाते हुए, इस मातृभूमि में सांसद बनकर ये किसका वफादार बनना चाहते हैं? कहीं ये हमास के तो नहीं, कहीं ये हमास के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं? ये क्या करने लग गए हैं? अपना नाम करने के लिए, अपना खुद गर्जी के लिए क्या ये देश को भी दांव पे लगाना चाह रहा है? मैं तो कहूंगा संविधान के विरुद्ध उन्होंने किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो भारत को क्या सीरिया बना देना चाहते हैं? और जो दृश्य उन्होंने उपस्थित की, वो धीरे धीरे उनके मन में गजवाए हिंद जैसी चीजें आ रहा है, जिसके कारण ऐसी ऐसी बातें बोल। ओवैसी खुद को सच्चा देशभक्त बताते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो माइक का वॉल्यूम लाउड कर मुसलमानों को भड़काते हैं। 24 के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी यूपी के अकबरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन को मुस्लिम एंगल से जोड़ चुके हैं। राजस्थान के मंडला में गो तस्करों के घर ध्वस्त होने को मजहबी कार्रवाई बता चुके हैं। और ये बात भी दीगर है कि ओवैसी खुद नफरती राजनीति के झंडा बरदार बने हुए हैं। याद रखिए, 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है, और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। ओवैसी नैरेटिव गढ़ने में महारत रखते हैं। किस मोहल्ले में कौन सा पर्चा किस टाइमिंग पर पढ़ा जाना है, इस पर उनका फोकस सबसे ज्यादा रहता है, और उनकी पहचान भड़काऊ लीडर के तौर पर रही है। ये वही ओवैसी हैं जो 2024 के चुनाव के दौरान काटते रहो बोल रहे थे, 2022 के यूपी चुनाव से पहले यूपी पुलिस को धमका रहे थे, और कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री की वकालत कर रहे थे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हालांकि ओवैसी की चुनावी थ्योरी को पब्लिक समझ रही है, धीरे धीरे उनकी सियासत सिमट रही है। अब ओवैसी अपनी पार्टी से एकमात्र सांसद हैं। महाराष्ट्र में पिछली बार की तरह इस बार उन्हें 24 के चुनाव में जीत नहीं मिली। यूपी में पीडीएम के तहत 9 कैंडिडेट को सपोर्ट किया, लेकिन रिजल्ट फीका रहा। और ये सब जानते हैं कि ओवैसी ने माफिया अतीक के जरिए एक नई तरह की सियासत का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नतीजा ढाक के 3 पात रहा। ज्ञानवापी पर उनका कार्ड नहीं चला।
राम मंदिर के खिलाफ एंटी नैरेटिव काम नहीं आया। हालांकि उनकी जुबान से जहर बरसना कम नहीं हुआ। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मेरी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। बड़े ओवैसी हैदराबाद की सियासत करते हैं, लेकिन जहां जहां मुसलमान हैं वहां वहां घूमकर अपना दायरा फैलाने की बहुत कोशिश करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2014 के बाद से उनकी राजनीति का गियर एकदम बदल गया है, जिसमें मोदी से नफरत का कंटेंट बहुत ज्यादा है। मोदी विरोध में ओवैसी इंडी गठबंधन के साथ जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन 4 जून के नतीजों ने ओवैसी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारा तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी बैरिस्टर हैं, कब कहां कितना बोलना है इसका नापतौल उनके पास होता है, लेकिन एक मुद्दे पर आकर ओवैसी की पॉलिटिक्स जज्बाती हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही भड़काऊ हैं छोटे भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी। ये जब भी बोलते हैं जुबान से अंगारे बरसते हैं, कंठ का सारा जहर मजलिस के आगे परोस देते हैं, कभी मोदी का नाम लेकर, कभी धमकी भरे अंदाज में। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा से विधायक हैं। हैदराबाद तक दायरा सीमित रहता है, मगर भड़काने में बड़े भाईजान से कम नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट वाले चैलेंज पर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने पलटवार किया तो ओवैसी ब्रदर्स बुरी तरह तिलमिला गए। करंट ऐसा लगा कि बड़े भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभालने में देर नहीं की। सालार का बेटा से लेकर तोप तक न जाने कौन कौन सी व्याख्याएं ओवैसी ने अपने भाई के लिए कर दी, और वो भी धमकी भरे अंदाज में। छोटे को बहुत रोक के रखाओ, अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो, बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग, 15 सेकंड का दिन को 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं, हा? 15 सेकंड कहते बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं, तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को, तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। ओवैसी को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि वो देश के बजाय धर्म की राजनीति में ज्यादा मशगूल हो गए हैं, तो उसे भी समझिए। 2004 में जब उन्होंने पहली बार सांसदी की शपथ ली तो कोई विवाद नहीं हुआ। 2009 में भी उनकी शपथ पर किसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई। 2014 में जब ओवैसी तीसरी बार सांसद बने तो विवादों से दूर थे, मगर 2019 में उनकी शपथ के दौरान जय श्री राम की गूंज सुनाई दी, जवाब में ओवैसी हाथ हिलाते रहे और 2024 में जय फिलिस्तीन कहकर बवाल खड़ा कर दिया। ओवैसी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सुर्खियों में नहीं रहेंगे तो फिर उनकी सियासत का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी की पार्टी इतने साल बीत जाने के बाद भी 24 के चुनाव में महज 0.22% वोट ही पा सकी। हालांकि ओवैसी उत्साहित हैं ये सोचकर कि हैदराबाद से उन्होंने अपनी जीत का मार्जिन बढ़ा लिया है, इसलिए जय हिंद के बजाय जय फिलिस्तीन पर जोर दे रहे हैं, और उनके काउंटर में कई सांसद अलग अलग तरीके से नारेबाजी कर शपथ ले चुके हैं।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये बात कहना है। हिंदू राष्ट्र, ये संविधान विरोधी है। नमोबुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। थैंक यू। ओवैसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे ज्यादा हर किसी की दिलचस्पी ये जानने में है कि ओवैसी अगली बार किस नैरेटिव के साथ अपना भड़काऊ टेप बजाएंगे, क्योंकि यही वो फैक्टर है जिसके जरिए ओवैसी जाने जाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अपनी इमेज जानबूझकर ऐसी क्रिएट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।